मैं बताऊं सोनिका। हाँ दादी। देखे बड़े आदमी आए जो राम ने लियोड़ी से मारा भीतर में कोई उपजी। सही बात है दादी। हमारे बूढ़े आदमी थे मेरे दादो रे। हाँ। जिस तरह तेरा दादो रे कौन ये बात कया करे तेरे दादा। हाँ हाँ दादा से रो। पल टेलीविजन तो थे को नहीं मेरे दादो रे दोर बैठ चंदी। हाँ। तो उसने उसकी बात बताया डिया जाएगी मेरे दादा की। के दादी पांडवाण का था मेरे दादा। अच्छा तो वो नि बोलिया भाई बालक बिगड़न लागन। हाँ। वो बालक ने समझाण का तरीका हो है। हाँ। तो उसने एक छोरा बिगड़न लाग गया तो बाप ने सोची यो बिगड़ेगा ही। उसने चार मोर सुनने की देखी ने। और बेटन नहीं बोले बेटा इन चार मोर तक कमा ले व्यापार कर चाहे किम्मा कर तेरा काम से। अच्छा तो वो लेके मोर चला गया। चलिया गया तो बण में कन्नू जान लाग रहा अरे एक महाराज की झोपड़ी जीगी। पहली महाराज रह कर दे बण में। हाँ। ई महाराज को नहीं लंगोटी बांधे तो महाराज ना बने। सही बात है। हाँ तो वह सिद्ध होया कर दे। हाँ। तो उसके द्वारा चलिया गया वो। बोले बेटा के चाहिए। बोले महाराज पानी भी पीऊंगा रोटी भी खाऊंगा। हाँ। बोले बेटा रोटी भी खा ले पानी भी पी ले। बोले महाराज कोई सलाह दे न मने। हाँ। मैं के काम करूं मेरे बाप ने चार मोर दे दी मेरे ताई। हाँ। और इनका तो मैं क्या करूं। ने बोला एक मोर दे दे भाई मने। अच्छा फिर सलाह दूंगा। फिर सलाह दूंगा तो वह मोर ले ली। ने बोला भाई पहली सलाह या से तू आ गया तो तने कोई काम मिले ना छोटा बड़ा तो तू शर्म ना करी उस काम ना कर लिए। अच्छा। उस काम ना कर लेगा तो तना अगला रोटी भी देगा पीछे भी देगा। बोला ठीक। बोला और बता या दूसरी मोर दे। अच्छा तो उसने दूसरी दे दी। हाँ। एक भाई तू चोरी ना करिए जारी ना करिए। हाँ। इन दो चीजा का ध्यान रखिए। अच्छा बोला ठीक। तीसरी और दे। हाँ। बोला तीन तीसरी मोर दे। तीसरी तो मोर भी ले ली। उसने सोची तीसरी भी दे दे भाई देखी जाएगी इसकी सलाह तो ले ले। हाँ। बोला तू जानदा हो और सत्संग हो रहा हो तो तू उसके दौरे दो मिनट सुनी। अच्छा मतलब बढ़िया बात हो कोई सुनिए बैठ के कीर्तन हो रहा हो सभा हो किसी की तो तू दो मिनट बैठी। हाँ। बोले ठीक। बोले और बता। बोले चौथी और दे। सारी मोर ले ली। तो उसने सोची तीन ले ली तो या और दे दे। हाँ। देखी जागी। हाँ। वो तीसरी चौथी भी दे दी। बोले तू तो जाके न दो आदमी बतलाऊ दे हूँ। हाँ। और तू देख ले वह गलत काम कर दे हूँ तो तू तीसरा आदमी ना बताइए तेरी मन में ही रख ली। बोले ठीक। वो चलिया गया जाके न राजा का नगर में तो राजा का चार नौकर छोड़ रखे घोड़िया पर दस दस घोड़े दे रखे। अच्छा उन दसों घोड़िया ने उनका दाना दे उनका खान पीन का देना वह चारून मत बेच के न वह तो दारू दुरू पी और वो घोड़े भूखे रह जाए। तो उनमें राजा का लड़की थी बहुत सुथरी एक नौकर का साथ वाला राजा की लड़की बात करे। अच्छा तो वो राजा का नौकर लड़की बात करा कर दी उसने ढूंढे रे पटवा रखा अब भाई मैं एक भी न खातिर बार न जाऊँ मेरी माँ तो मिल के आवा मेरी माँ बीमार से जा कोई नौकर लागे तो। तो उसने सुन ली। उसने सुन ली तो वो नहीं बोला भाई मैं लाग जाऊंगा। हाँ। तो उसने 10,000 रुपये दे और भाई वो घोड़े का दाना दे और भाई 10 घोड़े दे दिए। तो उसने तो वह महाराज वाली बात याद आएगी। हाँ। दसों घोड़िया ने वो दाना भी चरा और उनकी सेवा पानी कर वो पाल दिए एक महीने में और उन वो तीन और थे ने वो आपका काम करके उन तीन दौड़ गया तो वो दारू पीने लग गई। बोला भाई आजा भाई तू ही पी ले। बोला भाई मैं तो नहीं पीऊँ। बोले तुम कितने पियो सिया। बोले यार दारू का भी घाटा है घोड़िया ने चराना क्या जरूरी अपने बेचा वहाँ हर लिया वहाँ। तो वो उठ के उन दौड़ तो चला गया। फिर उसने एक दिन सुन ली न्यू आग भाई ये तो गलत काम भी हो रहा है। तो न्यू कर दी वो भी ना बीत गया वो नौकर उल्टा आ गया। उल्टा आ गया तो वो राजा ने बोला भाई आज 40 के 40 घोड़े मैदान में लाओ इनकी मैं परीक्षा लूंगा कौन सा गले कड़े। तो वो 30 घोड़े तो मर गए पूरा खा नहीं मिले। हाँ। और वो 10 घोड़े उसने पाल दिए। तो बोला भाई ये 10 घोड़े तैयार कुछ से कैसे। वो बोला साहब मेरे से मैं एक महीने खातर ही हो गया था मैं लाग रहा उन बुझन लग गया तो वह बोले साहब हो ये को नियम की करा। तो जो गया था उसने सोची यो तो ईमानदार आदमी आ गया थमने कंडवा होगा इसने तो मरवावा जी सल्ले बैठे।
फिर उसने वो छोरी और वो नौकर बतलाउंदे सुन लिए तो उसने किससे आगे नहीं बताई दोनों बात बतलाउंदे सुन लिए तो छोरी ने वो न्यू बोला नौकर इसने कढ़ुआ वारन तेरे बाप पर ना तो यो अपनी पोल पट्टी खोल लेना तो उसने आपके लत्ते लाते पारे किन्नर वो छोटा शर लगा दिया तो उसने फिर भी न्यू नहीं बताई आग भाई यो था मैं कौन था वो बात ने मन में रखी अपनी। फिर उसने वो राजा जाके कसाई ने न्यू बोला मैं तेरे दौरे एक आदमी गाल लूंगा और उसका नाड़ तार किन्नर चादर में लपेट की दे दिए तो न्यू ना बूझ ये लीना उसने बताइए नानक के इसमें बोले ठीक। तो उसने वो खंडा दिया बोले जा उसके साई का या चीज लिया तो वो आगे गया तो सभा हो रही थी तो उसके महाराज वाली बात याद आ गई बैठनो दो मिनट तो बैठ की सुनिए तो वो दो मिनट सभा में बैठ गया सभा में बैठ गया तो राजा ने सोची सर तो काट दिया होगा वो जो मरुआ था वो ही रोककर गाल दिया अग जा भाई तू अकसाई इतने कोई चीज देगा और वह लपेटी लपेटी तू ले आइए। वो पूछा कसाई ने उससे किनारे काट दी कसाई दौर तो पहले वही पूछा वो सब आमत उठ के कसाई दौर गया चादर में लपेट के उसने दे दिया लेके राजान दे दिया राजान दे दिया तो राजान देखा तो बोले यो तो यो सर यो यो, यो मारा गया फिर बुला लिए बोला भाई न्यू क्यों कर बनी जिद वो नौकर न्यू बोला महाराज मैं बता दू आपने एक बात सुनोगे तो बोला सुनूंगा बोल बोले आपकी बेटी अरे यो नौकर दोनों बतलाऊं दे मैंने सुन ली मैंने बताई नहीं मन ने महाराज ने शिक्षा दी और थी जिद कौन बताई और मैं दो मिनट सभा में बैठ गया तेरा नौकर उड़ा चलेगा उसका सर कटे मैं घोड़े दाना तेरा सारा चराया ये दारू पिया कर दी तो उसने जिद वो राजा बनाया और वह चारू कट दी और बेटी मारी फिर वो राज करदा करदा और उसने सोचा आज महाराज दौर तू फिर चाल बोले तने बहुत बढ़िया शिक्षा दी गया तो महाराज ने बोला राम राम प्रणाम महाराज जिन्हें बोला हाँ बेटा बता किसी की बात बनी तेरी बोले मन तो राज दे दिया राजा ने बोले राज दे दिया तो क्या तू ये तेरी मोर भी ले जा मेरे धर्म मैं क्या करूँगा इन मोर चारू मोर मन धरे राखी से तो वे फरी की सलाह भी कोई नहीं मानना है सही बात है और धन भी नहीं चाहिए सलाह देनी है उसने चाहिए भी नहीं उसका रखना भी नहीं चाहिए दे देने तो भी उसने उल्टा देना चाहिए भाई मैं तने बात बता दी इस बात ना मल करे ना करे तो यह बात भाइया का समझन की सर छोरिया का भी सर अपनी बात ने समझो इसने अब भाई किस तरह के सब ईमानदारी सच्चाई का के फल लगड़ा और के रजट लगड़ा तो भाई सब बन भाइया ने मेरी राम राम भाई आज की पीढ़ी की बात से या सुन लो सब और इस बात ना अमल करियो भाई और मन ने बताइयो भाई किस किसने करी।